आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज हम गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 25 मार्च 1920 को सूरत में हुआ था। बचपन से ही वे ब्रिटिश शासन से संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी थीं। 1928 में 8 वर्ष की अल्पायु में उषा ने पहली बार साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बालिका होने के बावजूद वे शराब की दुकानों के सामने विरोध प्रदर्शन किया करती थीं और गुपचुप विभिन्न पर्चे बांटा करती थीं। नमक सत्याग्रह के दौरान उषा समुद्र का पानी अपने घर लाई और उससे नमक बनाया। उषा ने 1939 में बम्बई के विल्सन कॉलेज से स्नातक शिक्षा प्राप्त की और कानून की पढ़ाई के लिए तैयारी करने लगी। लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के साथ ही उन्होंने पढ़ाई बंद करने और स्वाधीनता संघर्ष में शामिल होने का फैसला किया। 1942 के कांग्रेस अधिवेशन में उषा मेहता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के ओजस्वी भाषणों को गुपचुप जनता तक पहुंचाती थीं। इससे उषा को सीक्रेट रेडियो स्टेशन चलाने की प्रेरणा मिली और उन्होंने विश्व के कोने कोने तक भारत की आवाज पहुंचाने में सहायता की। चौदह अगस्त 1942 को उषा मेहता ने अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस रेडियो की पहली उद्घोषणा की। इस शो में उषा ने अंग्रेजी और हिंदी में न्यूज बुलेटिन पढ़े। हिंदुस्तान हमारा गीत के साथ शो आरंभ हुआ और अंत में वंदे मातरम बजाया गया। ब्रिटिश अधिकारियों की कड़ी निगरानी के बावजूद उनके रेडियो स्टेशन ने निडरता पूर्वक अंग्रेजों के दमन की खबर जन जन तक पहुँचाई। भूमिगत रहने के लिए उषा मेहता को बार बार अपना ठिकाना बदलना पड़ता था ताकि अंग्रेजों की नजरों से बची रहें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने रेडियो स्टेशन की जगह कई बार बदली। 12 नवंबर 1942 को जब वे गिरगांव से शो संचालित कर रही थीं, तो पुलिस ने उषा मेहता और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उषा को 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। 1946 में जब उषा को रिहा किया गया तो वे बम्बई में रिहा होने वाली पहली राजनीतिक कैदी बनी। जेल से रिहा होने पर उषा मेहता ने कहा, मैं प्रसन्नता और गर्व के साथ जेल से वापस आई, क्योंकि मुझे बापू का संदेश करो या मरो लोगों तक पहुंचाने का संतोष है और मुझे स्वतंत्रता के लिए इस योगदान पर गर्व है। 80 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 2000 को उषा मेहता का निधन हो गया। अपने देश के लिए लड़ने का उनका जोश और उत्साह सच्ची प्रेरणा है। महान वीरांगना को शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी वसंत राव लकनगौड़ा पाटिल का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 25 मार्च 1922 को कर्नाटक के बेलगांव जिले में हुआ था। पाटिल ने कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण वे स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। वसंत राव को डॉक्टर एम आर देसाई, आचार्य जावड़ेकर, एन एस हार्डिकर और बैरिस्टर खारडेकर जैसे शिक्षकों से देशभक्ति और समाज सेवा की प्रेरणा मिली। कोल्हापुर में वसंत राव कट्टर स्वाधीनता सेनानी नाना पाटिल के संपर्क में आए, जिन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में शामिल होने के वसंत राव के निर्णय को और मजबूती दी। नाना के मार्गदर्शन में वसंत राव आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हो गए। इस कारण उनके छोटे भाई प्रताप राव की हत्या कर दी गई। छोटे भाई के निधन के दुख के कारण वसंत राव ने 1943 में कॉलेज छोड़ दिया
और स्वाधीनता संघर्ष में अपने को समर्पित कर दिया। ब्रिटिश प्रशासन के अत्याचार के बावजूद वसंत राव ने और अधिक उत्साह के साथ गतिविधियां जारी रखी। वे क्षेत्र में मोस्ट वांटेड लोगों में शामिल हो गए और पुलिस ने उन्हें देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए। स्वतंत्रता के बाद वीएल पाटिल 1962 से 1967 तक संसद के सदस्य रहे। 1969 में वसंत राव कई बार कर्नाटक विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने 1989 तक विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली। वसंत राव को जीवन भर विभिन्न सामाजिक प्रयासों के लिए 2008 में इंदिरा गांधी सद्भावना नेशनल अवार्ड भी प्रदान किया गया। 9 दिसंबर 2012 को वीएल पाटिल का निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।